मासूम नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को चैलेंज दे रहा था आरोपी, सोशल मीडिया पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कहकर पुलिस को चुनौती दी थी। आरोपी से युवती बनकर व्हाट्सएप पर चैट कर पुलिस ने जाल बिछाकर घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25 आपराधिक मामले दर्ज है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के रेडिसन चौराहे के पास का है, जहां एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर मेला दिखाने के बहाने अपहरण करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान शैलेंद्र उर्फ कन्नू सोलंकी के रूप में की। आरोपी पर उज्जैन, देवास, इंदौर सहित 25 से अधिक अपराध दर्ज हैं। कई अपराध के मामले में पुलिस लंबे समय से अपराधी को ढूंढ रही थी। वहीं शातिर बदमाश शैलेंद्र पुलिस को चुनौती दे रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जहां पुलिस ने आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट पर युवती बनकर झांसे में लेकर जाल बिछाया और आरोपी को देवास के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो युवती का अपहरण कर उसके साथ एक बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला था, जहां बच्ची की सूझबूझ के बाद वो आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। आरोपी आदतन अपराधी है, हत्या लूट सहित कई गंभीर अपराध इस पर दर्ज हैं। वहीं आरोपी शैलेंद्र सोलंकी को देवास पुलिस स्थायी वारंट मामले में तलाश कर रही थी। पुलिस ने थाना क्षेत्रों को आरोपी की जानकारी दी। वहीं अन्य और भी घटनाओं और वारदात के बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 18 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक आरोपी के द्वारा उसको ऑटो में बिठा के अपहरण की कोशिश की थी। उसके द्वारा ये बताया गया था कि बच्ची से उसके द्वारा बातचीत करके यहाँ मेले में ले जाने के लिए उसको बेला फुसला रहा था, लेकिन उसके द्वारा बच्ची के द्वारा मना करके और ऑटो से उतर गई और फिर सीधे मंदिर पर पहुँच गई, जहाँ से उसके द्वारा हमारे यहाँ आके रिपोर्ट की गई थी। उस आरोपी का फुटेज हमारे द्वारा डेवलप किया गया था और उसका देवास का शैलेंद्र सोलंकी नाम का व्यक्ति ये पता चला था। हमने और भी डिटेल निकाली तो वहाँ का ये HS है, 12 अपराध पंजीबद्ध थे, यहाँ भी हत्या में फरार हुआ था, फिर बाद में जेल से जाके छूटा था। उस आरोपी के द्वारा लगातार फरारगी के दौरान हुलिया चेंज कर लिया जाता था। आरोपी बहुत खतरनाक किस्म का है, इस पर लगभग 20 अपराध इंदौर में, देवास में, उज्जैन में पंजीबद्ध हैं और देवास से स्थायी वारंट में फरार चल रहा है। इसी उज्जैन और देवास को भी तलाश थी, आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब हमारी थाने की और टेक्निकल टीम इसमें काम कर रही थी तो मोबाइल के जरिए हम लोग इसके संपर्क में थे और हमारा कॉन्स्टेबल लड़की बनके इससे बात कर रहा था, तो इसके द्वारा ये लगातार चैलेंज दिया जा रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उसके आधे घंटे के अंदर फिर हमने उसको पकड़ लिया।